हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ ईद। तो आज की रेसिपी स्पेशली ईद के पहले दिन के लिए है, फर्स्ट डे ऑफ ईद। तो इसका नेम है मिर्ची सेविया कस्टर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक अ सॉस पैन, ऐड 2 ग्लास ऑफ वाटर, पानी डाल देंगे। ब्रिंग इट टू बॉयल, बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर बॉयल आ गया। अब हमने 1/2 कप सेविया, मल्टी सेविया लेनी है और इसको बॉयल कर लेना है हमने। स्लाइटली हम इसे मिक्स कर लेंगे। सो डियर व्यूअर्स, इसे खाने का बहुत मज़ा आता है, ये बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, इसे हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करना क्योंकि हमने इसे कस्टर्ड के अंदर भी कुक करना है, तो बस हम इतना ही करेंगे इसे बॉयल। हियर आई टेक 3 पैक्स ऑफ ऑल पर्पस मिल्क, 250 ml। तो हमने एक बॉल बनाना है कस्टर्ड, तो हम 3 पैक यूज़ करेंगे। तो जी, यहाँ पर मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, तो एक प्याली लेंगे और इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे कस्टर्ड। ऐड सम वाटर, पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हो गया, तो हमने मिल्क को भी बॉयल करने के लिए रख दिया था, तो बॉयल आ गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। हमने पहले 3 टेबलस्पून डाली थी, फिर एक और टेबलस्पून डाल दी था हमने, बिकॉज हमें कम लगी थी, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अब हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगेन ब्रिंग इट टू बॉयल। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कस्टर्ड इन 2 पार्ट्स। हमने आस्ता आस्ता कर डालना है, मतलब 2 पार्ट्स में, हमने 2 हिस्सों में डाल देना है कस्टर्ड। पहले डालेंगे और बीटर से मिक्स कर लेंगे, अगेन डालेंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे। मींस कि हमने सारा डालना, लेकिन 2 हिस्सों में डालना है। एंड या स्टिर कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो है वो कुक हो गया अच्छे से। अब हमने मल्टी सेविया ऐड कर लेनी है जो हमने बॉयल की थी, सारी डाल देंगे। और मेक श्योर बीटर से आप मिक्स नहीं करें, स्पून से करें, कोई से भी स्पैचुला से करें। वी कुक इट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक हम इसे मुसलसल मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, ना लो होना चाहिए, मीडियम। हियर इज़ रेडी एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिश आउट इट। डिश आउट करके आप इसे फ्रिज में रखें और जब ये ठंडा हो जाए तब आप खाएँ। आलमंड्स और पिस्टेशियोस के ऊपर गार्निश कर लेंगे। सो दैट्स इट, एंजॉय। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, फर्स्ट डे ईद। होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। टर्न ऑन द बेल आइकन एंड ऑल्सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। Take care. Allah Hafiz.